हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल एके सर केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किस प्रकार से लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होती है, फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज उन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस हम हमारी इस क्लास में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे, हालांकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला हमें कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, अगर हमें दो ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10^-18 1/N1^2 / N2^2। और ये वैल्यू किस में आती है हमारे पास में? जूल में यह वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होगा। अगर अपने को आवर्ती ज्ञात करनी है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, म्यू ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होगा 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 1/N1^2 / N2^2। किसमें? या तो हर्ट्ज बोल दीजिए या सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स बोल दीजिए। ठीक है, एक 1/λ, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। वही एक तरंग के क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गृतों के बीच की डिस्टेंस ही वेवलेंथ है। आप इसे 1/λ बोल सकते हो, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? न्यू बार। न्यू बार क्या है? तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। ठीक है, और इसके लिए हम फॉर्मूला काम में क्या लेंगे बच्चों? फॉर्मूला होगा हमारा 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 1/N1^2 / N2^2 मीटर इनवर्स। ये तीन फॉर्मूलाज हमें ध्यान में होने चाहिए, और इन्हीं का यूज़ करके हम वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? देयर इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10^-18 1/N1^2 - 1/N2^2। न्यू आवर्ती बराबर 3.29 × 10^15 1/N1^2 - 1/N2^2 हर्ट्ज में आएगी ये वैल्यू, या सेकंड इनवर्स में आएगी। 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 1/N1^2 - 1/N2^2 मीटर इनवर्स। देखिए, मीटर इनवर्स क्यों आया? लैम्डा जिस इकाइयों से दूरी नापी जाती है, उन्हीं इकाइयों से वेवलेंथ को मापा जाता है। क्योंकि यहाँ लैम्डा बटे में है, इसलिए जो इसकी यूनिट है वो क्या मिली हमें? मीटर इनवर्स यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हमें स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ध्यान में रखना है। अब N1 और N2 क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में है, और तीसरे ऊर्जा स्तर से कहाँ कूद रहा है? पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या होगा? N2, और वन क्या होगा? N1। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए पांचवें से दूसरे में आ रहा है, तो N2 क्या होगा? 5, और N1 क्या होगा? 2। इस प्रकार से N1 और N2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल डाटाज अवेलेबल है, हमें पता है क्या होंगे। N1 N2 हमें गिवन होगा, सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यह है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमारा एकदम इजी सा, आसान सा पोर्शन, जिसके बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये फॉर्मूलाज काम में लेनी है, जैसी जहाँ नीड होगी वैसा ही फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में N=5 अवस्था में N=2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। देखिएगा क्या दिया है यहाँ पे, N1 कौन से ऊर्जा स्तर में आ रहा है? दूसरे में। N2 कौन से आ रहा है? पांचवें से। ज्ञात क्या करना है? आवृत्ति। आवृत्ति को किससे शो करते हैं? न्यू से। और क्या ज्ञात करना है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं? लैम्डा से। ठीक है,
तो क्या हमारे पास में न्यू का फॉर्मूला है क्या? अभी अपन ने बिगिनिंग में डिस्कस करा था, न्यू इज इक्वल्स टू होता है 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 1/n1^2 1/n2^2 किसमें? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। देखिए n1 n2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। देखिए 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 1/n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। अभी देखिए 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 हाँ जी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ओके। अभी 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 ठीक है। अभी देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 25 और 4 का एलसीएम क्या होगा 100। 25 और 4 का एलसीएम कितना होता है 100 होता है। अब 100 से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 25 - 4/100 दैट इज 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10^15 मल्टीप्लाइड बाई 21/100 ठीक है। 100 ऊपर जाएगा यहाँ पे इसको 100 को क्या लिख सकते हैं अपन 10^2 बटा से जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पावर का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है तो 10^2 ऊपर जाके क्या बनेगा -2 10^-2 ये 10^ कितना 15 15 में से 2 गया कितना बचा 10^13 ठीक है क्या बचा 10^13 ओके। अब देखिए 3.29 को आप 21 से मल्टीप्लाई करिए गुणा करिए तब आपको रिजल्ट मिलेगा 69.1 यानी 69.1 मल्टीप्लाइड बाय 10^13 हर्ट्ज। आपने 3.29 को 21 से गुणा किया तो आपको रिजल्ट मिला 69.1 मल्टीप्लाइड बाय 10^13 आप इसको यूं भी लिख सकते हो 6.91 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 अगर यहाँ पे अपन ने पॉइंट को एक स्थान पीछे बढ़ा लिया तो इसकी पावर को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। अगर आप यहाँ तक भी इसको छोड़ देते हैं तो आपका आंसर सही है। तो ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी कि आवर्ती की वैल्यू कितनी होगी 6.91 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 देर इज आर फर्स्ट प्रॉब्लम हैज सॉल्व्ड। देन वी गो टू आर सेकेंड प्रॉब्लम देन वी कैलकुलेट लैम्डा फॉर दिस ट्रांजिशन लैम्डा कैलकुलेट करना। देखिए लैम्डा का रिलेशन हमने कहाँ लिखा था हमने लिखा था 1/λ और 1/λ किसके बराबर होता है न्यू बार के बराबर होता है। 1/λ किसके बराबर होता है न्यू बार के बराबर होता है तरंग संख्या के बराबर होता है। तो देखिए ध्यान दें न्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया ठीक है और न्यू बार क्या है तरंग संख्या जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करनी है। हमें तो क्या कैलकुलेट करनी है लैम्डा कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान देना बच्चों क्या लैम्डा में और इस न्यू में क्या लैम्डा और न्यू में हमें रिलेशन पता है क्या बिल्कुल पता है। हम क्या लिखते हैं क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा न्यू है वो सी और लैम्डा के रेशियो के बराबर होता है। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य सी प्रकाश का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो हमारे पास में यहाँ पे न्यू तो हमने कैलकुलेट करा है सी हमें नोन है कितना होता है 3 × 10^8 m/s लैम्डा कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे। देखिएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू ठीक है। अब जो वैल्यूज हमारे पास में पुट करिए क्या लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड और न्यू क्या कैलकुलेट किया अपन ने 6.91 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 हर्ट्ज या इसको क्या बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स हर्ट्ज भी बोल सकते हैं या इसे क्या कह सकते हैं अपन सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं ठीक है ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा सेकंड इनवर्स से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचा क्या मीटर ठीक है।
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, हाँ जी ये 10 टू पावर 14 है, ऊपर 10 टू पावर 8 है, ऊपर जाएगा माइनस का 14, ऊपर जाएगा क्या होएगा, माइनस का 14, माइनस का 14 प्लस का 8 बचा कितना, माइनस का 6, 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। और 6.91 को 91 से आपको 3 को डिवाइड करना है, 6.91 3 के 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो रिजल्ट आएगा वो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, ये हमें आइडिया हो जाता है। और जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.434 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 434 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अब 10 टू पावर माइनस 9 क्या होता है, नैनोमीटर होता है, तो क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 434 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की जा रही है इसलिए अपन यहाँ पे छोटी यूनिट यहाँ पे शो करिए, ये भी सही है गलत नहीं है, यहाँ तक अगर आप आते हैं तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए सिंपल से एक N1 N2 अपने को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला याद करना है, जैसी जहाँ नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ फ्रॉम दिस मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए पोज करके, उसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो चुका है, वी हैव डन दिस, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्ष से प्रथम कक्ष में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति क्या होगी, तृतीय कक्ष से प्रथम में कूदता, व्हाट इज द गिवन डाटा। यस, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर। गिवन डाटा क्या है, N1 कहां से कहां कूदता है, प्रथम में, N1 1 है, N2 3 है, तृतीय से प्रथम में कूद रहा है, क्या पूछ रहा है, आवृत्ति, आवृत्ति पूछी हमें, सिंपल सा क्वेश्चन करा है, जैसा हमने अभी करा था वो का वो है, क्या लिख देंगे, क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वेयर 1 अपॉन N2 स्क्वेयर, 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 15, हाँ जी 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 1 माइनस 9, ठीक है, ये अपन ने स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब एक और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 15, हाँ जी 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाई 9, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें 10 बाई 15 को तो आप एक तरफ कर दीजिए और इसको आप कैलकुलेट करिए पोज करके, 10 बाई 15 यहां रख दो और इसको कैलकुलेट करें, 3.29 को 8 से गुणा करें और 9 से भाग देते हैं, ओके। तो यहां पे रिजल्ट आएगा 2.9 अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 5, क्योंकि न्यू है इसलिए हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये होगा आपका न्यू की वैल्यू, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना 10 की पावर जो भी होती है अगर डिवाइड में आ रही है तो साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में जा रही है तो भी साइन चेंज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है उसके बारे में कि प्रॉब्लम दी है हमें, हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा।
क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 4 से n बराबर 2 में जाता है संक्रमण में उत्सर्जित होने वाले उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए, वेवलेंथ ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। देखिए गिवन क्या क्या है, पुट कर दो, गिवन हमें क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करा है देख लो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, चौथे से दूसरे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है दूसरे में, एन वन इज इक्वल्स टू टू, कहाँ से जा रहा है चौथे से, एन टू बराबर फोर, ज्ञात क्या करना है तरंग दैर्ध्य मीन्स लैम्डा ज्ञात करना है, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है तरंग दैर्ध्य, ये हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है ओके। क्या हमें पता है क्या कि लैम्डा का फॉर्मूला हमें मिला था कि स्पेक्ट्रम में कहीं पे, लैम्डा का तो नहीं मिला था बट वन अपॉन लैम्डा मिला था, इसी वन अपॉन लैम्डा को हमने क्या कहा था, न्यू बार कहा था ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, या तो अपन पहले न्यू बार ज्ञात कर ले और फिर पहले न्यू ज्ञात कर ले और फिर अपन लैम्डा ज्ञात करें, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए न्यू ज्ञात करके सी बटा लैम्डा और लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे, लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे, सी अपॉन न्यू, यूं ज्ञात कर सकते हैं, या हमारे पास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्यों ना वो फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। क्या था फॉर्मूला देखिए बच्चों, 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला था किसके लिए, वन अपॉन लैम्डा के लिए। तो क्या लिख देंगे, 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, किसमें, मीटर में, मीटर इनवर्स में, जो जो वैल्यूज है हमारे पास में पुट कर दीजिए, 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 n1 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, n2 की क्या है 4 का स्क्वायर, मीटर इनवर्स। नेक्स्ट 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मीटर इनवर्स ठीक है। अब 16 और 4 का आप लीजिए एलसीएम, जो कि आपको 16 ही प्राप्त होगा, 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 16 होता है, हाँ जी। यहां पे क्या लिखेंगे, 16 4 4 माइनस 1/16, 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 3/16 मीटर इनवर्स। ये वैल्यूज हमारे पास मीटर इनवर्स में आ रही है, अगर अपन इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट, यहाँ पे जो मीटर इनवर्स हमें यूनिट मिल रही है इसको अगर अपन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यहाँ पे मीटर कहाँ है, बटे में, तो 100 भी कहाँ जाएगा, बटे में, इसमें 100 कहाँ आएगा, डिवाइड में आप यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^7 3/16 बटे में 100 बटे में 10^2 10^2 ऊपर जाएगी 10^-2 10^-2 10^+7 बचा क्या 10^5 क्या लिख देंगे यहां पे 1.09677 मल्टीप्लाइड बाय 10^5 3/16। अब इस 10^5 को भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो अपन क्या करते हैं 10^5 को हटा देते हैं, इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। अब हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में रिजल्ट हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू किसकी आई है, 1 अपॉन लैम्डा की, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसे अपन लैम्डा बनाना चाहे तो इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये वैल्यूज भी पूरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा और 1.09677 मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे आ जाएगा ठीक है। अब ये वैल्यू है हमारी किस में, सेंटीमीटर में
ठीक है, हमें लामडा नैनोमीटर में यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को हम बड़ा बना देते हैं। सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 10^7 से। अगर मीटर को कन्वर्ट करना होता तो 10^9 से गुणा करते, सेंटीमीटर को करना इसलिए कितने से गुणा करेंगे? 10^7 से। तो क्या लिख देंगे? लामडा इज इक्वल्स टू 16 × 10^7 अपॉन 10/9677 × 3। ठीक है, ये हमें यहाँ पे हमारा फाइनल डाटा मिला है, और इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 483 नैनोमीटर। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे संक्रमण और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अभी देखिए, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अगर चौथे ऊर्जा स्तर से N2 = 4 और N1 = 1, N2 = 4, N1 = 1, ये दो हमें ऊर्जा स्तर दिए गए हैं, और कह रहा है कि इस संक्रमण से हमें अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी मिलेगी, कितनी अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल सकती है। ऐसा अगर अपन से पूछा जाए तो देखिएगा, ये N = 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब कहां से कहां आ रहा है? चौथे से पहले में आ रहा है। पहली पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन सीधा चौथे से पहले में आ जाता, चौथे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूद जाता, तो ये वाली एक स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती। दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले तीसरे में आता, फिर दूसरे में आता, और फिर पहले में आ जाता। तो यहाँ पे एक तो ये वाली स्पेक्ट्रमी रेखा मिली थी, यहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली? 1, 2, 3, 3। तीसरी पॉसिबिलिटी, पहले दूसरे में आ जाता और फिर दूसरे से पहले में आ जाता, यहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली? 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली। कितनी? 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिली। चौथी पॉसिबिलिटी, पहले तीसरे में आता और तीसरे से फिर पहले में चला जाता, यहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखा मिली? यहाँ पे हमें मिली फिर से कितनी? 2। अब देखिए कुल कितनी देखना है। देखो ध्यान दें, यहाँ पे यह फर्स्ट वाली और ये वाली, ये दोनों रेखाएं, इसको एक बार छोड़िए, ये वाली और ये रेखा क्या है? सेम ही है, क्योंकि दोनों ट्रांजिशन कैसा है? N4 से N3 है, तो एक को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें तो रेखाओं के टाइप देखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, एक तो ये वाला कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे देखिए ये वाला भी क्या हो रही है? N2 से N1 में हो रहा है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये दो ट्रांजिशन यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब कितने रेखाएं बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इस प्रकार के संक्रमण में 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी। कितनी? 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, बट ऐसे जब अपन करते हैं तो गलतियां होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, फॉर्मूला है N2 - N1 N2 - N1 N2 - N1 + 1/2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रमी लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट करने के लिए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है N2 - N1 N2 - N1 + 1/2। देखिए इस फॉर्मूले से अपन इस संक्रमण की बात करते हैं। N2 का मान कितना था? 4। N1 का कितना था? 1, 4 - 1। फिर N2 का मान कितना है? 4। N1 का कितना है? 1 और 1 यहां पे बटा में 2। देखिए 4 में से 1 गया 3, 3 और 1 = 4, है ना, ऐसे होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 और 1 = 4, तो क्या आएगा हमारे पास में? 12/2 = 6। यानी यहां पे हमें 6 स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेगी, जो अपन इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। ठीक है, ओके,
पहले क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे सोल्व और फिर उसके बाद में ऐड को करेंगे। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन अगर अपने को दिया जाता कि n बराबर 6 से n बराबर कहां पे, n बराबर 6 से n बराबर 1 मूल अवस्था में जा रहा है, इसके लिए अपन कैलकुलेट करें क्या लिख देंगे, बराबर n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, n2 की वैल्यू 6 माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2, 6 में से एक गया 5, यहां पे 6 में से एक गया 5, 5 और 1 6 बटे में 2, 30 बटा 2 बराबर 15। कितनी स्पेक्ट्रमी लाइनें मिलेगी हमें, 15 स्पेक्ट्रमी लाइनें यहां पे प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।